हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, दोस्तों आप किस प्रकार से घर बैठे राशन कार्ड में किसी छोटे सदस्य का नाम आप इजी तरीके से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो कंटिन्यूली वॉच करते रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और वहाँ पर दोस्तों आपको मेरा राशन 2.0 सर्च कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस जान पाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है। दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एम पिन एंटर करना है, इसके बाद में आपको लॉग इन हो जाना है। दोस्तों यदि आप अपना लॉन्ग एम पिन भूल गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप फॉरगेट एम पिन बटन का यूज़ करके अपना एम पिन रीजेनरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐड मेंबर का प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है और दोस्तों ये सभी स्टेट के लिए वर्क करेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपने राशन कार्ड के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर किस कौन कौन सा फंक्शंस दिया गया है। दोस्तों ऐड मेंबर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बटन दिखाई देता है मैनेज फैमिली डिटेल्स, दोस्तों आपको उसी पे क्लिक करना है। दोस्तों यदि आपने कोटेदार के यहाँ विजिट करके केवाईसी नहीं करवाई है दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द वो केवाईसी कंप्लीट करवा लें, जिसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों आसानी से स्टेटस देख पाएंगे। आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फैमिली का जो पूरी डिटेल्स है इसी तरीके से ओपन होकर आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर्स का जो डिटेल्स है वेरीफाई और अपडेट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में ऐड मेंबर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, दोस्तों आपको उसी पे इजीली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल 9 स्टेप्स को कंप्लीट करना है, जहाँ पे दोस्तों मैं आने वाली वीडियो में आपको 1 by 1 सारा स्टेप्स क्लियर करके बताऊँगा। दोस्तों आप यहां पे जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे आधार कार्ड के हिसाब से ही यहां पे डिटेल्स आपको भरना है दोस्तों, नहीं तो आपका जो फॉर्म है ऐड मेंबर का रिक्वेस्ट जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, इसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और दोस्तों आप यहाँ पे मैरिड हैं या अनमैरिड आपको स्टेटस यहाँ पे डालना है, नेशनलिटी इंटर करना है और दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप इजी तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इजीली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पे मैं सेकेंड स्टेप पर आ चुका हूँ। दोस्तों सेकेंड स्टेप पर आने के बाद आपको अपना कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, अदरवाइज आप यहाँ पर आधार कार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आधार डिटेल इंटर कर देनी है, इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट जरूर करना है। दोस्तों थर्ड स्टेप पे दोस्तों यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि आपका जो भी रोजगार है यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे एनुअली आपकी इनकम कितनी है वो भी यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे आना है। दोस्तों फोर्थ स्टेप में दोस्तों आपको अपना कास्ट कैटेगरी टाइप सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों आपका जो हेड ऑफ फैमिली का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप अपलोड किसी भी टाइप में कर सकते हैं, JPG, PNG और यहाँ पे आप PDF के फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप पे आना है और यहाँ पे आपको अपनी बैंक प्रोवाइड जो आपकी बैंक डिटेल होती है उसे प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड मेंबर यानी कि आप यहाँ पे नॉमिनी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शनल होता है, आप यहाँ पर यस मार्क करके इसे भी आप फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर 6 स्टेप पे आ जाना है। दोस्तों क्या आप क्रिटिकली हमेशा बीमार रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद वापस से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मेंबर अटैच डॉक्यूमेंट, यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच करना है, एक तो आपका आधार कार्ड, एक OBC सर्टिफिकेट और लास्ट में आपका कोई भी निवास प्रमाण पत्र या किसी भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर लास्ट पेज पर आते हैं, 9th वाले स्टेप पर। यहाँ पर दोस्तों आपको टर्म्स कंडीशन रीड करना है, इसके बाद कंसेंट ऑफ डेटा यूजेस को आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की है आप उसे बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका डेटा अप्रूवल नहीं हो जाता। दोस्तों आप सबमिट करना है, आप सीधा आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं अपने होम पेज पे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने टोटल लिस्ट खुलकर आ जाती है, जहाँ पर आपको हिस्ट्री पर आ जाना है। हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। इसके बाद दोस्तों आपने जो भी डेटा यहाँ पर अपडेट किया है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ऐड मेंबर, डिलीट मेंबर, आपने सरेंडर
राशन कार्ड जो भी आपने यहाँ पे प्रोसेस किया आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे 7 दिन से 15 दिन तक का वेट कर लेना है। दोस्तों ये खाद्य आपूर्ति विभाग के पास डेटा भेज दिया जाता है, वहाँ से आपके द्वारा दिए गए डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद में आपको सक्सेसफुली ऐड करके दे दिया जाता है और आप किसी भी प्रकार के स्टोर से जा करके राशन अपना ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का 1 रुपया नहीं देना पड़ा दोस्तों। आप घर बैठे हमारी वीडियो की मदद से आपने इसी तरीके से ऐड मेंबर कर लिया दोस्तों। आने वाली वीडियो में हम आपको इसी प्रकार के कंटेंट देते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।